आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब भूरेवाला के बाहर। यहाँ पे जो ताजर है मोबाइल जो जिनके जो फ्रेंचाइज है वो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है पीटीए की जानब से। जो सेकंड हैंड मोबाइल थे या पुराने मोबाइल थे उनकी बंदिश के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया है और यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त जो सदर मोबाइल एसोसिएशन भूरेवाला वो मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइए। हमारे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है, पीटीए की तरफ से लगाए गए टैक्सेस मोबाइल की कीमत से भी ज़्यादा हैं। इससे पहले हमारे साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे थे और इन्होंने मुज़ाकरात में हमें जो डेट दी थी, हमने उससे पहले पहले जो मोबाइल परचेज़ किए सेल किए वो मोबाइल भी बंद करके हमारे साथ बिल्कुल ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं किया जा रहा। हम इसकी पुरजोर मजामत करते हैं। आल पाकिस्तान एसोसिएशन की तरफ से हमें ये कॉल दी गई थी कि अपने भूरेवाला में अपनी यूनियन के हवाले से हड़ताल करें और आज पूरे पाकिस्तान में मोबाइल एसोसिएशन ये हड़ताल करके ये मैसेज दे रहे हैं कि ये माशी कत्ल किया जा रहा है और ये गरीबों के साथ कत्ल है जिन्होंने लोगों ने मोबाइल खरीदे हैं और उनके मोबाइल बंद किए जा रहे हैं। ये हम सबके साथ ज्यादती है और हम इस ज्यादती को कबूल नहीं करेंगे और इसकी हम पुरजोर मजामत करते हैं। मुल्क में पहले ही बहुत बेरोजगारी है, ऊपर से ये मोबाइल के जो भी छोटे दुकानदार उन पर एक बहरान की कैफियत सी हो गई है, उनके सेट ब्लॉक हो रहे हैं। जो बेरोजगारी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि मुनासिब इकदाम करें ताकि जो छोटे दुकानदार उनकी हौसला अफजाई हो, नहीं तो मुल्क में ये गुर्बत बढ़ेगी और ज़्यादा। नौजवान जो नस्ल है जो ये मोबाइल के रोज़गार से वस्ता है वो बेरोज़गार हो रही है, परेशानी के आलम है। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि कोई मुनासिब लाए अमल निकालें, इसको चलाएँ ताकि ये आसानी से अपना कारोबार कर सके और रोजगार हासिल कर सके। शुक्रिया। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि ये जो नौजवान है इनके साथ ज्यादती की जा रही है, इनके साथ जो इनका जो हक है वो इनको दिया जाए। ये जो बंदिश इन्होंने जो सेकंड मोबाइल है उनकी हवाले से जो बंदिश है उसको फिलफोर खत्म किया जाए और इनका जो कारोबारी सिलसिले में जो इनका हक है वो इनको दिया जाए। जी।